बालाघाट में प्रशासनिक फेरबदल के बाद पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को भी वे शीघ्र दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर भी जल्द ही अंकुश लगाया जाएगा। बता दें कि बालाघाट जिले की नक्सली घटनाओं से वे पूरी तरह से वाकिफ हैं, साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही घटनाओं को भी गंभीरता से लेते हुए उस पर अंकुश लगाने की बात कही। कि आपको रात में आइडेंटिफाई करना है उस व्यक्ति को कि वो क्या है, ग्रामीण है, नक्सली है, क्या है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं, झांसी का प्रकरण में नॉलेज नहीं है, पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई अनहोनी घटना अनवांटेड इंसिडेंट ना हो। नहीं, ये जानकारी अभी मुझे मिली है और हमने रवाना भी कर दिया है। अभी इंफॉर्मेशन पहुंचने में लेट हुई होगी, पर अभी मुझे लगता है आधे घंटे पहले ही हमने रवाना किया है, तो जैसा गतिविधि होगा आपको बताएगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेली की रिपोर्ट। ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।